नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन इससे पहले 2 राजनीतिक दलों ने यहां पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी, जिसमें से एक पार्टी है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल। जी हाँ, जिस तरीके से सितंबर के अंतिम दिनों में और अक्टूबर के पहले 2 दिनों में यहाँ सरकारी छुट्टियों का ऐलान जो एक कैलेंडर वर्ष है उसमें किया गया है, उसके आधार पर इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि चुनाव को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए, यानी कि 1 सप्ताह तक चुनाव की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में प्रदेश में होने वाले चुनाव की मतदान प्रक्रिया की परसेंटेज में यहां पर कमी न आए। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी यहां हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चुनाव की तारीखों में फेरबदल किया गया था, क्योंकि बड़ा यहां पर वोट बैंक जो है इन छुट्टियों के दिनों में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए प्रदेश से बाहर चले जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस पर कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने कड़ा कटाक्ष किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि इनेलो भाजपा के लिए ही काम कर रही है, जबकि जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी हार से बौखला चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की तैयारियां चल रही है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे बीजेपी पर निशाना साधा जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त प्रदेश में 43 विधायकों का समर्थन है, सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है और नायब सिंह सैनी लगातार पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर यहाँ पर उत्सुक नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार जनसभाओं के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और कौन यहाँ पर विधानसभा में यहाँ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।